दोस्तों, आज हम एक ऐसी खतरनाक कहानी देखेंगे जिसे देखने के बाद आप किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचोगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको कहानी देखने के बाद पता चल ही जाएगा। एक ऐसा कपल जो घूमने के लिए बाहर तो निकलता है लेकिन अपने घर पर वापस ही नहीं लौटता। ऐसी कौन सी भयानक घटना हुई उन लोगों के साथ जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों, इस कहानी का क्लाइमैक्स इतना जबरदस्त है जिसे देखने के बाद आप किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करोगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर और थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से। हम देखते हैं कि ये आदमी किसी की लाश को जमीन में दफना रहा होता है। अब उस लाश को दफनाने के बाद उसके ऊपर वो रोज फ्लावर रखता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं एक प्यारे से कपल को जिसमें से लड़के का नाम है रवि और उस लड़की का नाम है श्वेता। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की नई नई शादी हुई है और ये दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि इनकी कार खराब हो जाती है और अब ये दोनों यहाँ वहाँ रास्ता ढूंढने लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये दोनों भटक जाते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक पुलिस की कार आ जाती है। उस कार में बैठा हुआ इंस्पेक्टर उन दोनों को देख कर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये नक्सलस का इलाका है, यहाँ पर आम पब्लिक को आना अलाउड नहीं है, चलो मेरे कार में बैठो, मैं तुम लोगों को शहर में ड्रॉप कर दूंगा। अब दोस्तों, इस तरह से वो पुलिस वाला उन दोनों को किसी रेस्टोरेंट के पास छोड़ देता है। अब दोस्तों, उस रेस्टोरेंट में रवि और श्वेता ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि रवि एक डॉक्टर है और श्वेता एक लेखिका है, यानी कि श्वेता नॉवेल्स वगैरह लिखती रहती है। अब इसी दरमियान हम उस रेस्टोरेंट में एक बूढ़े कपल को देखते हैं। तभी अचानक उस बूढ़े आदमी के गले में कुछ फंस जाता है। अब रवि डॉक्टर होने की वजह से उन दोनों के पास चला जाता है और उस बूढ़े आदमी की मदद करता है। उसके बाद वो आदमी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों की बात करें तो इनका नाम है सोलेमन और हेलन। अब उसकी थोड़ी देर बाद सोलेमन और हेलन ये दोनों रवि और श्वेता के पास आकर कहने लगते हैं कि थैंक यू वेरी मच बेटा, अगर तुम ना होते तो आज तो मेरी जान ही चली जाती। अगर तुम दोनों को कोई एतराज ना हो तो तुम दोनों हमारे घर पर लंच करने के लिए आ सकते हो। वो दरअसल क्या है ना, हमारी आज मैरिज एनिवर्सरी है लेकिन हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अगर तुम दोनों आ जाओगे तो हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लंच करो और चले जाओ। अब यहाँ पर रवि और श्वेता ये दोनों सोचते हैं कि बस थोड़ी देर की तो बात है, खाना खा के वापस आ जाएंगे। इस तरह से सोलेमन इन दोनों को अपने रोज विला के घर पर लेकर आता है। और दोस्तों, यहीं पर रवि और श्वेता बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या। अब यहाँ पर आने के बाद ये लोग कुछ वाइन वगैरह पीते हैं और बाद में एक फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद लंच का वक्त आता है तो ये चारों बैठकर लंच करने लगते हैं। तभी दोस्तों, देखते ही देखते इन चारों का टॉपिक पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सोलेमन कहता है कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता को छोड़ ही देते हैं, वो तो अपनी फ्रीडम की जिंदगी जीना चाहते हैं और इसके लिए भले ही उनके माँ बाप भाड़ में चले जाए, आजकल के बच्चों को तो अपने माँ बाप की पड़ी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हेलन इस बात के खिलाफ होती है। हेलन सोलेमन से कहती है कि वो बच्चों की मर्जी है, वो किसके साथ रहना चाहते हैं, बच्चे खुश तो पेरेंट्स भी खुश। अब दोस्तों, इस तरह से देखते ही देखते ये छोटी सी बात एकदम झगड़े में बदल जाती है और सोलेमन और हेलन के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होने लगता है। अब यहाँ पर ये नजारा देखकर बेचारे इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों अपने ही मैरिज एनिवर्सरी के दिन इतना क्यों झगड़ रहे हैं। खैर, अब इसी दरमियान सोलेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टेबल के ऊपर का ग्लास लेकर दीवार को मारता है। तभी उस ग्लास का टुकड़ा रवि के माथे पर आकर लगता है और रवि के सर पर चोट लग जाती है। खैर, अब उसके बाद श्वेता इशारों से रवि को कहने लगती है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। रवि इस बात को समझ जाता है और वो सोलेमन से कहता है कि अब हम लोग चलते हैं, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सोलेमन इन दोनों से कहता है कि आप लोगों को शहर जाते जाते लेट हो जाएगा और ऊपर से मुझे तुम दोनों को ड्रॉप करने के लिए आना होगा।
तो वापस आते आते मुझे भी बहुत लेट हो जाएगा। आप लोग एक काम करो, आज रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ, कल सुबह होते ही चले जाना। अब दोस्तों इस तरह से सोलेमन और हेलन उन दोनों को जबरदस्ती एक कमरे में घुसा देते हैं, यानी कि दोस्तों उन दोनों को जाने ही नहीं देते। खैर अब दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं रात को रवि और श्वेता चादर के अंदर रोमांस करने लगते हैं और कुछ अलग ही गेम खेलने लगते हैं। खैर अब उसके बाद आधी रात को हम हेलन को देखते हैं, वो अपने बिस्तर से उठ जाती है और सोलेमन हेलन को एक नींद की गोली दे देता है और हेलन उसे लेकर सो जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये कपल बहुत ही ज्यादा वियर्ड बर्ताव कर रहे थे। अब दोस्तों उसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि रवि और श्वेता ये दोनों यहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं। सोलेमन उनसे कहने लगता है कि अरे यार ब्रेकफास्ट करते तो जाओ, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब श्वेता को यहाँ पर 1 मिनट के लिए भी रुकना पसंद नहीं था, इसीलिए श्वेता रवि को लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वहां अचानक हेलन उनके सामने आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है और बहुत ही गुस्से से कहने लगती है कि खाली पेट बाहर नहीं जाते, चुपचाप से अंदर चलो और ब्रेकफास्ट करके ही जाना। यहाँ पर हेलन का ऐसा बिहेवियर देखकर रवि और श्वेता बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। जो भी हो अब ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी होते हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद फाइनली सोलेमन इन दोनों को अपनी कार में बिठा लेता है उन दोनों को शहर में ड्रॉप करने के लिए। ये देखकर बेचारे श्वेता को थोड़ी बहुत तसल्ली होती है कि चलो फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ये तीनों घर से थोड़ी ही दूर पर जाते हैं तो तभी वहां पर सोलेमन की कार खराब हो जाती है, तो रवि तुरंत ही अपना फोन निकाल कर कैब को बुक करने लगता है। लेकिन वहां पर कोई भी नेटवर्क मौजूद ही नहीं था। अब ये सब कुछ देखकर रवि सोलेमन से कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ आप जानबूझकर कर रहे हो, आप हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे हो। लेकिन सोलेमन कहता है कि ऐसा भला मैं क्यों करूंगा। तभी वहां पर जोरदार बारिश होने लगती है और बेचारे रवि और श्वेता को फिर से उसी घर में जाना पड़ता है। सोलेमन रवि से कहता है कि क्या ये बारिश भी मेरा ही प्लान है, ये बस एक इत्तफाक है बेटा, मैंने ये सब कुछ प्लान नहीं किया है। अब उसके थोड़ी देर बाद सोलेमन इन दोनों को एक बहुत ही बड़ी बात बताने लगता है कि सुबह हेलन का बिहेवियर आप लोगों को कुछ अजीब लगा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह है, दरअसल हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। ऐसा कहते हुए सोलेमन इन दोनों को किसी रूम में ले जाता है, वहां के एक बक्से को ओपन करता है और इस बक्से के अंदर से इन दोनों को एक फोटो दिखाता है। ये फोटो देखकर रवि और श्वेता के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सोलेमन और हेलन का बेटा हूबहू रवि की तरह दिख रहा है, इसीलिए हेलन रवि को अपना बेटा समझ रही है। अब यहाँ पर सोलेमन रवि से रिक्वेस्ट करने लगता है कि रवि प्लीज तुम यहाँ पर रुक जाओ, हमारा बेटा बनकर रहो और अगर ऐसा हुआ तो हेलन भी बहुत खुश हो जाएगी। रवि कहने लगता है कि अंकल आपकी बात को मैं समझता हूँ लेकिन ये टोटली नॉनसेंस है। और दोस्तों जब श्वेता वहां से जा रही होती है तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद रवि श्वेता के पास आकर उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन रवि भी वहां पर बेहोश हो जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद जब रवि अपनी आंखें खोलता है तो वो एक कुर्सी से बंधा होता है। सोलेमान रवि के पास आकर उसे अपने बेटे की फोटोग्राफ दिखाने लगता है। देखो रवि वो मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम्हें हमारा बेटा बनकर रहना ही होगा और आज रात तुम हमारे साथ ही डिनर करोगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना तुम्हारी श्वेता मेरे कब्जे में है। अब दोस्तों यहाँ पर बेचारा रवि मजबूर होकर सोलेमन और हेलन के साथ डिनर के लिए बैठता है। हेलन यहाँ पर बहुत ही प्यार से रवि को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अब उसके बाद हम श्वेता को देखते हैं। सोलेमन ने श्वेता को भी किसी दूसरे कमरे में बांध कर रखा होता है। खैर अब यहाँ दूसरी तरफ हम रवि की माँ बाप को देखते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका बेटा और बहू 2 दिन से घर पर वापस नहीं लौटे और ना ही रवि का फोन लग रहा था ना ही श्वेता का, इसीलिए वो अपने बहू बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला रवि और श्वेता की फोटो देखकर सोचने लगता है कि मैंने इन दोनों को कहीं पर देखा है। उसके बाद वो पुलिस वाला उस रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर लास्ट टाइम उसने उन दोनों को छोड़ा था। अब पुलिस वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है लेकिन पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि उस दिन का फुटेज है ही नहीं, मतलब कि जिस दिन रवि और श्वेता इस रेस्टोरेंट में आए थे उस दिन का फुटेज डिलीट हो चुका है। अब यहाँ इस तरफ सोलेमान फिर से रवि को किसी रूम में बंद करके रखता है। बेचारा रवि ये सोच रहा होता है कि इस रूम से कैसे बाहर निकला जा सकता है,
तभी उसी कमरे में रवि को एक छोटी सी विंडो दिखाई देती है। रवि फौरन उस खिड़की से नीचे कूद जाता है और तभी उसकी आहट सोलेमन सुन लेता है। सोलेमन तुरंत ही अपनी नींद से जाग जाता है और अपनी गन लेकर वहां से बाहर निकलता है और वो रवि को ढूंढने लगता है। वो रवि के कमरे में जाकर देखता है तो वहां पर रवि नहीं होता, इसीलिए सोलेमन अपने घर की लाइट ही बंद कर देता है और रवि को ढूंढने लगता है। यहाँ पर रवि श्वेता को ढूंढ रहा था और इस घर से बाहर निकलने का रास्ता भी, लेकिन तभी सोलेमन रवि को देख लेता है और इन दोनों में बहुत बड़ी हाथापाई होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं और तभी रवि फौरन एक कमरे के अंदर घुस जाता है और अपने आप को बंद कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सोलेमन बहुत ही ज्यादा भयानक बन चुका था और वो गुस्से में उस दरवाजे को तोड़ देता है। उसके बाद रवि के पास आता है और रवि को बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। फाइनली वो रवि के सर पर एक जोरदार वार करता है जिससे कि रवि वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। यहां इस तरफ श्वेता को उस कमरे में एक आयरन ब्लेड नजर आता है और वो उस ब्लेड को हासिल करने के लिए नीचे गिर जाती है। बेचारी श्वेता बहुत ही मुश्किल से उस ब्लेड को लेकर अपने हाथों की रस्सी काटने लगती है और फाइनली वो अपने आप को आजाद कर लेती है। उसके बाद वो दरवाजा खोल के वहां से भागने लगती है। यहां इस तरफ पुलिस इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिस जगह पर कुछ लड़के मिसिंग हो चुके थे उसी जगह पर रवि और श्वेता का आखिरी लोकेशन दिखा रहा है। यहाँ इस तरफ रवि को होश आ जाता है और वो सोलेमन के पैर को जख्मी करके वहां से भागने लगता है। अब उस घर से भागने के बाद रवि श्वेता को ढूंढने लगता है और दोस्तों लकीली श्वेता रवि को मिल जाती है। तभी इन दोनों को ढूंढते हुए सोलेमन वहां पर आता है। सोलेमन को देखकर ये दोनों छुपने लगते हैं। इसी दरमियान जब ये मौका देखकर ये दोनों वहां से भाग रहे होते हैं तभी सोलेमन श्वेता को गोली मार देता है। तभी वहां पर पुलिस आती है और सोलेमन को हैंडसअप करने के लिए कहती है, लेकिन यहां पर उल्टा सोलेमन उस इंस्पेक्टर के हाथ पर फायरिंग कर देता है जिसकी वजह से उस इंस्पेक्टर की गन नीचे गिर जाती है। अब रवि तुरंत उस गन को लेकर सोलेमन को मार देता है। अब उसके थोड़ी देर बाद हेलन वहां पर आती है और पुलिस वालों से कहने लगती है कि मेरे बच्चे को कहां लेकर जा रहे हो। और यहां इस तरफ श्वेता की मरने की वजह से बेचारा रवि बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां पर रवि धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा होता है क्योंकि अब श्वेता इस दुनिया में नहीं है। अब ऐसे ही एक दिन रवि हेलन को देखने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। वहां पर वो डॉक्टर से कहने लगता है कि मैं हेलन को यहां से ले जाने के लिए आया हूं। डॉक्टर पूछने लगते हैं कि क्या तुम हेलन के बेटे हो। रवि कहता है कि नहीं, बेटे जैसा हूं। उसके बाद डॉक्टर रवि से कहता है कि देखिए आप हेलन को ले तो जा सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशन लेनी होगी। हेलन को अपना पास कभी भी याद नहीं आना चाहिए। हेलन को ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसका बेटा वापस आ गया है और उसका बेटा उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और इसी तरह से धीरे धीरे आप हेलन को सच बता सकते हैं कि आप हेलन के बेटे नहीं हैं और उनका बेटा उन्हें छोड़कर चला जा चुका है। दरअसल दोस्तों ये काम तो सोलेमन को करना चाहिए था लेकिन सोलेमन तो हेलन के प्यार में हेलन से कुछ बोल ही नहीं पाया, उसे वो समझा नहीं पाया। खैर अब उसके बाद रवि हेलन को उसके घर पर लेकर जाता है। हेलन रवि को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका बेटा वापस आ गया है। अब यहाँ पर हेलन की देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं था इसलिए रवि हेलन का बेटा बनकर उसकी अच्छी तरीके से देखरेख करने लगता है। यहाँ इस तरफ पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल उस इंस्पेक्टर को श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है और वो रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर के तो होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो इंस्पेक्टर रवि से मिलने के लिए फौरन रोज विला पहुंच जाता है और रवि से कहने लगता है कि श्वेता को जो गोली लगी थी वो सामने से नहीं लगी थी बल्कि वो गोली ऊपर से आई थी, शायद उस विंडो से। अब दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। उसके बाद दोस्तों रवि इंस्पेक्टर को एक कमरे में लेकर जाता है। सोलेमन और हेलन के बेटे की फोटो दिखाता है जो कि हूबहू बिल्कुल भी रवि की जैसा दिखता है। अब वो इंस्पेक्टर उसी बक्से में एक और फोटो को देखता है और उस फोटो में रवि के बदले में कोई और लड़का मौजूद होता है। उसके बाद वो दोनों एक और फोटो निकालते हैं तो उसमें भी कोई और ही लड़का मौजूद होता है। यानी कि दोस्तों सोलेमन और हेलन तो सेम थे लेकिन पीछे वाला लड़का चेंज होते जा रहा था। अब ये देखने के बाद इंस्पेक्टर को सारा किस्सा समझ में आ जाता है। उसके बाद ये दोनों फौरन हेलन के पास चले जाते हैं और यहाँ पर मूवी की असली कहानी हमारे सामने आती है। दरअसल दोस्तों फ्रांसिस अपने माँ बाप को छोड़कर दूर चला गया और उसके बाद बेचारी हेलन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई।
अब इसी डिप्रेशन की हालत में हेलन ने ये सोचा कि मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मैं अपने बेटे को वापस जरूर लाऊंगी। उसके बाद सोलेमन और हेलन ये दोनों किसी बीच पर वॉक कर रहे होते हैं। इसी दरमियान हेलन चक्कर आकर वहां पर गिर जाती है। अब वहां पर एक लड़का जॉगिंग कर रहा होता है और वो हेलन को देखकर फौरन ही उसकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाता है। उसके बाद ये दोनों उस लड़के को अपने घर पर चलने के लिए कहते हैं लंच करने के लिए, और घर पहुंचने के बाद सोलेमन उस लड़के को अपने बेटे की फोटो दिखाता है जो हूबहू उसी की तरह दिखता है। अब ये दोनों उस लड़के से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज तुम हमारे बेटे बनकर यहाँ पर रहो, लेकिन वो लड़का उन दोनों की बात नहीं मानता और वहां से जाने लगता है। लेकिन ये देखकर हेलन का तो दिमाग ही सटक जाता है और वो उस लड़के को रोकने के चक्कर में उसके सर पर बार बार वार करके उसे मार देती है। अब सोलेमन हेलन से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से सोलेमन इस लड़की की लाश को ठिकाने लगा देता है, यानी कि उस लाश को दफना देता है। और दोस्तों ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब उसके कुछ दिनों बाद ये दोनों अपनी कार से कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है। तभी उस रास्ते से एक लड़का गुजर रहा होता है और वो लड़का सोलेमन और हेलन की हेल्प करता है। उसके बाद क्या था, जब वो लड़का नहीं मानता तो सोलेमन उसे मार देता है और उसकी लाश को भी ठिकाने लगा देता है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और दोस्तों इसीलिए मैंने कहा था कि ये कहानी देखने के बाद आप किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचोगे। खैर अब उन फोटोज के बारे में बात करें तो जब कभी भी सोलेमन और हेलन ये दोनों किसी लड़के को अपने घर पर लेकर आते थे तो वो फौरन उसके साथ एक फोटो खिंचवा लेते थे, जैसा कि उन्होंने रवि और श्वेता के साथ किया था। उसके बाद सोलेमन उस फोटो को एडिट करके उस लड़के का चेहरा अपने बेटे के जगह पर लगा देता था और उस रेस्टोरेंट में रवि और श्वेता के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाला और कोई नहीं बल्कि सोलेमन ही था। और दोस्तों क्लाइमैक्स में जब रवि और श्वेता वहां से भाग रहे होते हैं तो वहां पर सोलेमन सिर्फ उन दोनों को गन दिखाकर डरा रहा था, लेकिन दोस्तों दरअसल श्वेता को गोली मारने वाली हेलन ही थी। हेलन ने ही ऊपर की खिड़की से श्वेता को शूट किया था। और दोस्तों यहाँ पर एक और ट्विस्ट रिवील होता है कि उन सारे लड़कों को सोलेमन ने नहीं बल्कि हेलन ने ही मारा था। बताओ अभी सटिया गई बुढ़िया को क्या कहे, इतना ही बेटा बेटा कर रही थी तो किसी को गोद ले लेती, इतने लोगों की जान लेने की क्या जरूरत थी। खैर अब दोस्तों डायरेक्टर साहब हमें इस मूवी के थ्रू एक मैसेज देना चाहते है कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं, जिससे कि उनके माता पिता अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनकी आखिरी इच्छा यही होती है कि वो अपना टाइम अपने बेटा और बहू के साथ या फिर पोता और पोती के साथ गुजारना चाहते हैं। और यही एक सिंपल मैसेज देते हुए ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग हॉरर थ्रिलर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।